दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर एक शमशान घाट में छत धस गई है, इसकी चपेट में कई लोग आ गए हैं। ताज़ा जानकारी मिलने तक इस हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तक 38 लोग मलबे से निकाले जा चुके हैं, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने बताया कि करीब 30 लोग मलबे के अंदर मिले, जिनको उपचार के लिए MMG अस्पताल भेजा गया है। आपदा प्रबंधन की टीम बचाव कार्य में जुटी है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है यहाँ पर, और पिछले 3 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चल रहा है। NDRF की टीम भी हम लोगों ने बुला ली है, पूरा जिला प्रशासन, हमारा पूरी मेडिकल टीम, हमारी पूरी पुलिस टीम, फायर ब्रिगेड टीम सब यहाँ लगे हुए हैं। और इस समय हम लोगों का प्राइम ऑब्जेक्ट ये है कि हम यहाँ पर जो लोग मलबे में दबे हुए हों उनको निकालना, उनको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना, उनको सुरक्षित अस्पताल तक पहुँचाना। करीब 20 लोगों को हम लोगों ने यहाँ से निकाल करके वहाँ हॉस्पिटल भेजा है और वहाँ उनका उपचार वगैरह चल रहा है। और लोग हो सकते हैं, ये पूरी टीम लगी हुई है, इसके लिए अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पूरी तलाश करेंगे। कोई ऐसी संख्या का कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन पूरी टीम यहाँ लगी हुई है, एक एक व्यक्ति को हम लोग खोजेंगे। ये हादसा गाजियाबाद थाने के मुरादनगर इलाके में हुआ है। तस्वीरों में कई लोग लेंटर के नीचे दबे हुए दिख रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम घटना स्थल पहुंच गई है और राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। वहीं घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए तत्काल राहत पहुंचाने और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मामले की जांच रिपोर्ट भी मांगी है। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मंडल आयुक्त मेरठ और IG रेंज को मौके पर जाकर घटना की रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को प्रदेश सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और IG रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं, और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। घटना अत्यंत दुखद है। मेरे जो संतप्त परिजन हैं, उनके प्रति पूरी संवेदना है। जो घायल हैं, उनके शीघ्र स्वास्थ्य की भी कामना मैं करता हूं, और राज्य सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। बता दें कि रविवार सुबह से दिल्ली NCR में बारिश हो रही है। ये शमशान घाट मुरादनगर थाना क्षेत्र के उखरानी बम्बा रोड पर स्थित है। मुरादनगर स्थित शमशान घाट पर कुछ लोग एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे। बारिश की वजह से ये लोग छत के नीचे थे, तभी शमशान घाट का लेंटर भरभराकर गिर गया। इसमें कई लोग मलबे में दब गए।